वृंदावन बिहार के डॉक्टर विनोद चौहान ने लायंस क्लब खंडवा ओजस की प्रेरणा से मरणोपरांत देहदान की घोषणा की है। पंडित आनंद उपाध्याय ने डॉक्टर विनोद का तिलक लगाकर देहदान का संकल्प करवाया। तुलसी का पौधा देते हुए ओजस के अध्यक्ष संजना खत्री ने कहा कि अंगदान दुनिया में क्रांति लाएगी, किसी जरूरतमंद के लिए अंगदान करें और दूसरों को खुशी दे। नारायण बाहेती ने कहा कि समाज को कुशल चिकित्सक देने के लिए मानव शरीर रचना का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, जो मृत देह पर परीक्षण द्वारा ही संभव है। जन जागृति समिति के डॉक्टर सोमिल जैन, नारायण बाहेती, सुरेंद्र सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारियों ने देहदान घोषणा प्रक्रिया पूर्ण करवाई। डॉक्टर विनोद चौहान द्वारा स्वयं, पत्नी कल्पना चौहान और प्रवीण शर्मा के हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र समिति को सौंपा गया। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम रखवाल की रिपोर्ट। कार्य के लिए हम चौहान साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि ऐसे ही पूरी थाना सेवा में अपनी भूमिका निभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। खंडवा ओजस की तरफ से आज देहदान और नेत्रदान का कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद सर का। सर ने जो निर्णय लिया है उसके लिए गर्व है हमको। बहुत कम लोग हैं जो ये डिसीज़न ले पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।